जब हम शलवार पे पॉकेट अटैच करेंगे तो जेंट शलवार पॉकेट यहाँ राइट साइड में पल्ले की सिलाई के पास यहाँ कुंदे पे अटैच की जाती है। तो यहाँ से हम यहाँ पल्ले की सिलाई से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से नेफे की सिलाई से नीचे भी हम 1.5 इंच तक निशान लगाएंगे। और यहाँ इस निशान से हम 4.5 इंच तक लेंथ लेने के बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ इस निशान से इस निशान तक हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से इस्त्री से सेट करेंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों निशानों के दरमियानी फासले को इस्त्री से सेट कर लिया है। अब हमने जो पॉकेट के लिए पीस लिया है इसको भी हमने 1.5 इंच ऊपर से टर्न करने के बाद यहाँ से इसको इस्त्री से सेट कर लिया है। इसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। अब हम इसको भी इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। और अब हम दोनों के सेंटर को सेट करने के बाद यहाँ सेंटर में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, इन दोनों निशानों के दरमियानी लेंथ 4.5 इंच है, लेकिन जब हम दोनों साइड से एक्स्ट्रा कॉर्नर बढ़ाएंगे तो पॉकेट की लेंथ 5 इंच तक हो जाएगी। व्यूअर्स, अब हम इस कपड़े पे और नीचे शलवार पे लगे दोनों निशानों को सेट करने के बाद यहाँ सेंटर में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इस सिलाई से एक पैर के मार्जिन से यहाँ सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कॉर्नर बढ़ाते हुए यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे और फिर यहाँ से सिलाई यहाँ आगे लेके जाएंगे। इसी तरह से यहाँ हम दूसरी साइड पे भी एक्स्ट्रा कॉर्नर बढ़ाएंगे और यहाँ से सिलाई यहाँ तक लेके आएंगे और इसी तरह से यहाँ से सिलाई इस साइड पे लेके जाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ सेंटर की सिलाई निकालने के बाद यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। यहाँ हम कॉर्नर तक कट लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करेंगे अब हम यहाँ इसको इस्त्री से प्रेस करेंगे। इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करने के बाद अब हम इसको इस्त्री से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हम यहाँ पे जिप सेट करेंगे। यहाँ पे जिप सेट करने के बाद हम इसको पिन अप करेंगे। व्यूअर्स, हमने जिप को सेंटर में सेट करने के बाद यहाँ इसको पिन अप किया है। अब हम यहाँ सेंटर से एक पैर के मार्जिन से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से टर्न लेंगे। व्यूअर्स, हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हम इस कपड़े के इस पीस के साथ कपड़े के इस दूसरे पीस को इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
व्यूअर्स, यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस सिलाई को नीचे की तरफ टर्न करते हुए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ला के हम सिलाई को मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, हमारे पॉकेट की लेंथ 9 इंच है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। तो व्यूअर्स, आप अपने हिसाब से इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह उल्टी साइड से इस तरह से है और सीधी साइड से यह इस तरह से दिखाई देगी। हम इसके अंदर हाथ डाल के आपको चेक करवा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब ये हमारी शलवार पॉकेट रेडी हो चुकी है।